नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरा दौरे पर गए हैं, जहां पर सीटेट के छात्राओं को जब ये पता चला कि तेजस्वी यादव वहां पहुंचने वाले हैं, तब सीटेट के अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद जमकर अभ्यर्थियों के द्वारा हंगामा मचाया गया है। आपको बताएं कि आरा कलेक्ट्रेट तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसी कैंपस के बाहर अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। तेजस्वी यादव से उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और उन्होंने जमकर बवाल मचाया है। सीधा हम आपको तस्वीरें आरा कलेक्ट्रेट कैंपस के दिखाएंगे कि किस तरीके से सीटेट के अभ्यर्थियों ने बवाल का बहुत खुश हुई कि हम लोग का बेरोजगारी दूर होगा। तेजस्वी सरकार से बहुत उम्मीद है और उनसे हाथ जोड़ के। आपका ज्ञापन आज लिया गया है या नहीं लिया गया? आप लोग ज्ञापन आज क्या हुआ है? आज आज आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आई थी यहाँ पर? आज उम्मीद लेकर के आए थे कि हम लोग तेजस्वी सरकार से नहीं मिल पाए, हम लोग प्रशासन अंदर जाने से रोक नहीं मिल पाए, तो हम लोग मतलब आपके चैनल के माध्यम से बता दें उनसे, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग रोड पे रहने का शौक नहीं है, हमें रोड पे नहीं वोट पे होना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार हमें रोड पे रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा कुमारी। आपको बताएं कि बिहार सीटेट पास अभ्यर्थियों ने अपनी नौकरी की गुहार लगाने के लिए तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देख शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला परिसदन गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद नाराज सीटेट अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। वही सर्किट हाउस के गेट पर खड़े अभ्यर्थियों का कहना था कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं किया गया, जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों में अब मायूसी छाई हुई है। आज हम लोग तेजस्वी यादव से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने मिलने नहीं दिया। एक शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि तेजस्वी यादव अब शिक्षक अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव अब बदल चुके हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो वहीं दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि अब हम लोग सड़क पर नहीं रहना चाहते हैं, सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो सच में उनकी ऐसी मानसिकता है तो हम लोगों को वो नौकरी दे। छात्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने वादे को भूल गए हैं और यही कारण है कि हम लोगों के नियोजन की चर्चा भी शिक्षा विभाग नहीं कर रही है। हम लोग वर्ष 2019 में STET परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और सबसे पहले शिक्षक बनने का अहर्ता हम लोग ही रखते हैं, बावजूद इसके विभाग हमारा नियोजन नहीं कर रहा है, जो कि गलत है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भोजपुर दौरे पर निकले हैं, जहां पर आरा कलेक्ट्रेट में उनकी समीक्षा बैठक हुई और जैसे ही अभ्यर्थियों को यह पता चला कि तेजस्वी यादव वहां मौजूद है, उन्होंने मिलने की तेजस्वी यादव से पहले तो सर्किट हाउस में कोशिश की, उसके बाद कलेक्ट्रेट में कोशिश की, लेकिन सुरक्षा और चाक चौबंद इतनी लगाई गई कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में खासा गुस्सा है और सबका कहना है कि तेजस्वी यादव भी अपने वादे से मुकर रहे हैं, वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। आरा से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।